हेलो डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू डेवलपमेंट ट्यूटर डॉट कॉम इस वीडियो में मैं आपको बात करूंगा जो आप टिगोमेट्रिक इन्वर्स फंक्शन का कैसे रेंज और डोमेन फाइंड कर सकते हैं क्या होता है टिगोमेट्रिक का इनवर्स फंक्शन उसमें आप कैसे पता करिएगा जिसका डोमेन ये है रेंज ये है हमने कुछ क्वेश्चन इस बोर्ड पर लिखा है और ये जो क्वेश्चन हमने लिखा है ये आपको मोस्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं जो डोमेन क्या होता है और ये डोमेन सारे जो हैं वो टिक फंक्शन का है तो मैं एक बार इसका ग्राफ प्लॉट करता हूं यह हमारा साइन एक्स का ग्राफ है और यहां पे मैं रिस्ट्रिक्टेड हूं कि मैं गिवेन डोमेन में ही साइन एक्स का ग्राफ बनाऊंगा और उसका रेंज दिखाऊंगा यह हमारा π बाई टू कोमा जीरो है मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे वन है और यहां पे माइनस फाइव आई टू कोमा जीरो है मिनिमम वैल्यू माइनस वन है ये मैंने डिस्ट्रिक्शन क्यों डाला है डिस्ट्रिक्शन इसलिए डाला हूं क्योंकि यदि इन्वर्स फंक्शन किसी चीज का बनाना है इट मस्ट एंड ऑन टू फंक्शन अभी यदि मैं बात करू पैरेलल टू एक्सिस लाइन ट्रेस करूँ तो इस ओनली वन पॉइंट पे ये कट करेगा और ये वन वन भी है ऑन टू भी है टू इसलिए है कि इसका यदि को डोमेन और रेंज देखेंगे तो माइनस वन और वन है तो ये अभी वन वन और फंक्शन है लेकिन इसी फंक्शन का यदि मैं इनवर्स एक्स का ग्राफ ट्रेस करूं तो वो जस्ट उल्टा हो जाएगा यहां पे अब वन और यहां पे अब माइनस वन ये मैक्सिमम वैल्यू लेगा पाई बाई टू पे मिनिमम वैल्यू लेगा माइनस पाई आई टू पे तो साइन इनवर्स एक्स का जो डोमेन होगा अपने गिवन इंटरवल में वो माइनस वन से वन होगा और रेंज जो होगा वो माइनस पाई आई टू से टू होगा बहुत ही बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है सो डोमेन ऑफ साइन इनवर्स एक्स डोमेन ऑफ साइन इनवर्स एक्स माइनस वन टू वन यदि इसके बीच में डिफाइंड है तभी हम लोग साइन इन्वर्स एक्स का वैल्यू ले सकते हैं यदि डिफाइंड नहीं है तो नहीं ले सकते हैं रेंज का बात करूं तो माइनस फाइव बाई टू का मिनिमम वैल्यू माइनस फाइव बाई टू मैक्सिमम वैल्यू पाइव बाई टू तो मैं ये बात यहां पे लिखना चाहूंगा मिनिमम वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज माइनस पाई बाई टू मैक्सिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन साइनवर्स एक्स इज पाई बाई टू मतलब रेंज जो साइन वर्स एक्स का है वो माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू है डोमेन जो है साइन वर्स एक्स का वो माइनस वन और वन के बीच है तो आपको कोई भी फंक्शन दिया हो इसके बीच में ढूंढना पड़ेगा रेंज इसके बीच में रखना होगा और ये वन वन और ऑन टू फंक्शन हमने बनाया है नहीं तो यदि आप साइन एक्स का का बात करेंगे तो वो तो ऑल रियल नंबर है इसलिए हमने रिस्ट्रिक्शन दे दिया है कि माइनस फाइव आई टू और फाइव आई टू के बीच ही लेना है तो डोमेन माइनस वन टू वन रेंज माइनस फाइव आई टू इसके बेस्ड आप बिलीव नहीं करिएगा कितना क्वेश्चन हम कर सकते हैं जब साइन इनवर्स एक्स का डोमेन आपको फाइंड करने के लिए पूछता है तो बहुत ही कंफ्यूजन रहता है स्टूडेंट में जो क्या लिखूं, क्या नहीं लिखूं लेकिन देखिए हमने कुछ सम लिखा है और दो मिनट के अंदर इस सम को हम सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही इजी मेथड है पहला क्वेश्चन हमने लिखा है फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन टू एक्स माइनस थ्री यदि मैं साइन इनवर्स टू एक्स माइनस थ्री का मैं फाइंड करूं अब एक बात बताइए साइन इनवर्स का डोमेन क्या देखा था हमने -1 और 1 के बीच। तो जो फंक्शन है लेस देन इक्वल टू वन बट ग्रेटर वन क्योंकि साइन इनवर्स लाई करता है माइनस वन और वन के बीच तो ये टू एक्स माइनस थ्री टू एक्स इज लेस इक्वल टू वन प्लस थ्री बट ग्रेटर वन कहा से कहाल्यूज माइनस वन इसके बीच ही आपको फाइन करना पड़ेगा सो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था फाइन द डोमेन ऑफ द फंक्शन आपको चार ऑप्शन दिए रहेंगे मल्टीपल चोइस क्वेश्चन जो कि अभी टर्म वन एग्जाम में आने वाला है, तो आपको यही करना है। 2x माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 1, बट ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 1। 2x इज लाइज लेस देन इक्वल टू 1 प्लस 3, बट ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 1। x इज लेस देन इक्वल टू 2, बट ग्रेटर देन इक्वल टू 1। सो so x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन हमारा है। फाइंड द डोमेन ऑफ साइन इन रूट ऑफ एक्स माइनस वन स्क्वायर रूट है तो हम यहाँ पे भी यही लिखेंगे x -1, है हमारा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन इन वर्स रूट ऑफ एक्स माइनस वन ये जो स्क्वायर रूट होता है जैसी रूट हटाएंगे जो so होगा x belongs to, 0, 2 होगा, वो दोनों पे ही दोनों पे ही क्लोज इंटरवल एक्स बिलोंग्स टू जीरो माइनस वन हटा के मैंने जीरो क्यों दिया यहाँ पे क्योंकि स्क्वायर रूट लिखा हुआ है स्क्वायर रूट कभी निगेटिव नहीं होता है सो इस मिनिमम वैल्यू इज जीरो सेकेंड है फाइंड द डोमेन ऑफ साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स कॉस एक्स सो फाइंड द डोमेन ऑफ साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस एक्स साइन इनवर्स एक्स का डोमेन आपको पता है क्या होता है तो माइनस वन कोमा वन होता है इंटरसेक्शन ऑल रियल नंबर्स क्योंकि ये कॉस एक्स है कॉस एक्स क्या होता है इसका डोमेन ऑल रियल नंबर्स इंटरसेक्शन हमने बीच में लगाया है मीन्स दोनों में कॉमन क्या है सो आंसर इज़ इज़ द करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन दिए रहेंगे आप वहां पे टिक करिए जब ये क्वेश्चन आएंगे आपको और आप यदि इन्वर्स डिकोमैटिक फंक्शन में ज़्यादा स्ट्रॉ नॉलेज नहीं रखते हैं तो आप ये क्वेश्चन देखते ही आप स्किप कर देंगे लेकिन मेरा मेथड देखिए दो मिनट के अंदर आप कैसे करेंगे सबको एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू माइनस वन वन मीस ये सारे फंक्शन माइनस वन और वन के बीच में बिलोंग्स कर रहा है इसका डोमेन जो गिवन है वो माइनस वन और वन है सच that साइन इनवर्स एक्स साइन इनवर्स वाई साइनवर्स जेड इक्वल टू माइनस थ्री फाइव फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर

Z, कितना होगा माइनस टू सो माइनस पाई फाइवस टू, माइनस इट दिसन इनवर्स एक्सल टू माइनस फाइव एक्स इक्वल टू साइन ऑफ माइनस फाइव दैट वैल्यू इज माइनस वन ना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर निकालना सेम इन इन वर्स वाईल टू माइनस फाइव आई टू

वैल्यू ऑफ वाई माइनस वन वॉट इज द वैल्यू ऑफ जेड माइनस वन राइट वन का स्क्वायर प्लस माइनस वन का स्क्वायर प्लस माइनस वन का स्क्वायर वन प्लस वन प्लस वन आंसर इज थ्री आंसर इज थ्री कितने कॉम्प्लीकेटेड लगते हैं देखने में और इजी कितना है डोमेन और रेंज वो चीज है जो पूरा मैथमेटिक्स के अंदर आप यदि एक बार डोमेन क्वेश्चन आप में क्या इसका मिनिमम वैल्यू होगा क्या इसका मैक्सिमम वैल्यू होगा वेरी वेरी इजी यदि ये क्वेश्चन आप लोग समझ गए तो आप लोग खुद से ये क्वेश्चन ट्राई करेंगे देखिए कैसा पावर दिया हुआ इस लाइक ए नंबर ईयर x to the power 2018, y to the power 2019, z to the power 220, same concept, I can repeat again. Look at here, x, y, z belongs to minus 1, comma 1. Why this comment is written here? Because the domain is minus 1 to 1, be such that sine inverse x, sine inverse y,

लेकिन इस समय में हमने माइनस नहीं प्लस लगाया है इसका मतलब है जो साइन इनवर्स एक्स का यहां पे मैक्सिमम वैल्यू कितना पाई पाए साइन इनवर्स वाई का मैक्सिमम वैल्यू कितना पाई बाई टू सो कैन आई राइट ये कंडीशन तभी सेटिस्फाइड होंगे जब साइन इनवर्स एक्स अपने पिक पे हो साइन इनवर्स वाई अपने पिक पे हो साइन इनवर्स जेड अपने पिक पे हो सो दिस साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू it means x equal to sine pi by 2 it becomes 1 same here sine inverse y equal to pi by 2 y equal to sine of pi by 2 it becomes again 1 and sine inverse z equal to pi by 2 it means z equal to again sine pi by 2 it becomes again 1 so look at the value here x equal to 1 y equal to 1 z equal to 1 what i want to find x to the power 2018 plus y to the power 2019 Plus Z to the power 2020. So look at here. X to the power 2018 plus Y to the power 2019 plus Z to the power 2020. What is the value? X is 1. So 1 to the power 2018, 1 to the power 2019, 1 to the power 2020. 1 to the power anything is become 1, right? So I can write 1 plus 1 plus 1. Value is 3. साइन इनवर्स रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन यहां पे एक्स स्क्वायर नहीं लगाया यहां पे एक्स माइनस वन दिया लेकिन यहां पे एक्स स्क्वायर माइनस वन अगेन साइन इनवर्स एक्स

x square minus 1 less than equal to 1 but greater than 0 x square is less than equal to 2 but greater than 0 look at here and look at here x square is less than equal to 2 what is meaning of this x if x square is less than equal to 2 it means x is less than equal to root 2 but greater than equal to minus root 2 and second x square is greater than equal to 0 now I can plot the number line minus root two and root two. So x is uh, already is between that the things. So I can write the x belongs to minus root two to root two. So I can write x belongs to minus root two comma root two. This is the answer of this question. <coughs> Next question is if sine inverse x plus sine inverse y

plus sin inverse y plus sin inverse z plus sin inverse t is equal to 2 pi it occurs only it occurs only when sin inverse x is maximum sin inverse x is maximum it means what what is the maximum value of sin inverse x

sine was t equal to pi by 2 t is become 1 so look at here this pi by 2 plus pi by 2 plus pi by 2 plus pi by 2 equal to 2 pi now so each value belongs to maximum is pi by 2 but what is the value of x 1 what is the value of y 1 what is the value of z 1 what is the value of t 1 so if i want to find the value of x square plus y square plus z square plus t square what is the value वन का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर दिस वैल्यू इज वन प्लस वन प्लस वन प्लस वन इज बिकम फोर इट बिकम्स फोर इट बिकम्स फोर सो आंसर इज सिंपल आंसर इज सिंपल नाउ मेरा जो बेसिक मोटो था आप लोगों को एक्सप्लेन करना ये सम ये इसलिए बेसिकली मैंने आपको सिर्फ दो चीज पे कंसंट्रेट करने के लिए बोल रहा हूँ मैं ओनली टू थिंग्स इज नॉट फॉर थ्री थिंग्स व्हाट इज द डोमेन ऑफ साइनवर्स एक्स माइनस वन कोमा वन वॉट इज द रेंज ऑफ साइनवर्स एक्स माइनस पाई बाई टू कोमा पाई बाई टू यदि उसके बीच में कोई फंक्शन बिलोंग्स करता है डोमेन बोलेगा तो माइनस वन और वन लेंगे स्क्वायर रूट है तो ग्रेटर देन जीरो कर देंगे रेंज का बात करें माइनस π बाई टू और पाई बाई टू के बीच में है तभी एग्जिस्ट करेगा अदरवाइज वी कैन नॉट सपोज कोई ऐसा लिख दे आपको क्वेश्चन साइनवर्स एक्स इज इक्वल टू टू हाउ मेनी रियल सॉल्यूशन ऑफ एक्स हाउ मेनी रियल सॉल्यूशन ऑफ एक्स और पहला ऑप्शन दे दे टू सेकेंड ऑप्शन दे दे फोर थर्ड ऑप्शन दे दे थ्री और फोर्थ दे दे नॉन ऑफ दीज

Thank you guys I think it's hopeful uh, for you